उधर दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का हवाई हमला, मिसल एल जबर शहर में एयर स्ट्राइक को दिया गया अंजाम, हिजबुल्ला की संपत्तियों को बनाया गया टारगेट। लेबनान में दो दिन में हजारों धमाके, पेजर के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में धमाका, तो वहीं सीरिया में भी लगातार दो दिन से हो रहे हैं धमाके। आपको बता दें लेबनान सीरियल धमाकों में अब तक 32 लोगों की मौत की जानकारी, हजारों लोग हुए जख्मी, वॉकी चौकी सोलर पैनल में भी हुए धमाके। लेबनान की बेरूत में हुए धमाकों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां पर मोबाइल की दुकान में काम करते वक्त अचानक से फटा पेजर, तो वही धमाके में दोनों कारीगर बाल बाल बचे। उधर लेबनान में शव की अंतिम विदाई के दौरान फटा वॉकी चौकी, धमाके के बाद सड़क पर गिरा शख्स, हादसे का वीडियो भी आया सामने। लेबनान में कार के अंदर लगे वायरलेस सिस्टम में हुआ धमाका, धमाके के बाद कार में लगी आग, तो वहीं कार पूरी तरह से जलकर हुई खाक। लेबनान में कार के वायरलेस सिस्टम में अचानक से धमाका हुआ, धमाके के बाद कार की सीट समेत कई उपकरण जल गए, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई पूरी की पूरी कार। लेबनान के बेरूत में हॉस्पिटल की पार्किंग में मिला विस्फोटक, तो वहीं सेना ने बम को किया डिफ्यूज, लोगों ने ली राहत की सांस। बेरूत में गाड़ियों के साथ साथ घरों में लगे उपकरणों में भी धमाके हुए, कई लोगों के जख्मी होने की खबर, घरों से निकलता दिखाई दिया काले धुएं का गुबार। हिजबुल्ला के सभी उपकरण लेबनान में हो रहे हैं नष्ट, तो वहीं पेजर वॉकी टॉकी के अलावा फिंगरप्रिंट डिवाइसेस और सौर ऊर्जा सिस्टम, रेडियो जैसे उपकरण में विस्फोट। उधर लेबनान में धमाके के बाद नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक, नेतन्याहू और रक्षा मंत्री बैठक में रहे मौजूद, हिजबुल्ला के खिलाफ तैयार रहने के लिए कहा गया। इसराइल के आर्मी चीफ का बयान, कहा धमाके के बाद दहशत में हिजबुल्ला, तो वहीं बोले खाना खाने में भी डरेंगे आतंकी। लेबनान सीरियल धमाकों से अमेरिका का किनारा, प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं, अभी हम और जानकारियां जुटा रहे हैं। लेबनान सीरियल धमाके को लेकर बड़ा खुलासा, ब्लास्ट हुए पेजर ताइवान की कंपनी के थे, कंपनी का बयान, हंगरी के बुडापेस्ट में मैन्युफैक्चर हुए थे पेजर। लेबनान धमाके में हिजबुल्ला के 3 लड़ाकों की हुई मौत, अंतिम यात्रा में देखा गया ड्रोन, हिजबुल्ला ने यात्रा में शामिल लोगों के लिए जारी की चेतावनी। लेबनान में हुए धमाके के बाद इसराइल सतर्क, तो वहीं इसराइल रक्षा मंत्री का सेना का नाम संदेश, हिजबुल्ला से युद्ध के लिए रहे तैयार। रूस ने कुर्स क्षेत्र में ड्रोन से किया जोरदार अटैक, यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को किया गया तबाह। क्वाड मीटिंग में चीन के शामिल होने पर अमेरिका का बयान, इंडो पैसिफिक में सैन्य कार्रवाई और आक्रामक रवैये को लेकर हो सकती है चर्चा। टाइटन पनडुब्बी की पहली तस्वीर भी आई सामने, साउथ कैरोलिना कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिखाया गया वीडियो, वीडियो में दिखा पनडुब्बी का पिछला हिस्सा। अमेरिका के ह्यूस्टन में रिहायशी इलाके में फटी गैस की पाइपलाइन, 3 दिन से पाइपलाइन में हो रही है लीकेज, तो अपने घर से दूर होने पर मजबूर हुए लोग। उत्तर प्रदेश के एटा में 8 फीट लंबा मगरमच्छ आने से मचा हड़कंप, सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने किया मगरमच्छ को रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार, जिले के 2 अलग अलग जगहों पर दिखा तेंदुआ, तस्वीरें सामने आई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश के बीच बारामती नदी में दिखा मगरमच्छ, नदी में तैरता मगरमच्छ देखकर लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग को दी गई इस बात की जानकारी। मध्य प्रदेश के सिवनी एयरपोर्ट में भी दिखा तेंदुआ, तो वहीं आसपास के लोगों में मचा हड़कंप, तो डरे सहमे नजर आए। चेक रिपब्लिक में आई बाढ़ से इंसानों के साथ साथ जानवरों की जान पर भी आई आफत, रिहायशी इलाकों में बहकर आए कई जानवर फंसे, शाही का एक पत्रकार ने किया रेस्क्यू। उधर मुरादाबाद में पानी के तेज बहाव में बही कार, लोगों ने रस्सी की मदद से कार को किनारे लगाया, मुश्किल से बची कार सवारों की जान। महोबा में पानी के तेज बहाव में बहा एक डंपर ट्रक, चालक की जल्दबाजी बनी, हादसे के पीछे वजह, चालक और क्लीनर ने तैरकर बचाई अपनी जान। आगरा में हो रही बारिश से हालात खराब, तो कई जगहों पर हुआ जल भराव, पानी में डूबी मोटरसाइकिल। एटा में भारी बारिश के बीच सभी स्कूल रहेंगे बंद, लगातार हो रही बारिश की वजह से डीएम ने जारी किए आदेश। चंदौली में नदी में आए उफान की वजह से हाईवे के निर्माण कार्य पर लगा ब्रेक, जेसीबी समेत कई मशीनें डूबी, कर्मचारियों ने पानी में बह रहे लोगों की बचाई जान। एटा में भारी बारिश के बीच आज सभी स्कूल रहेंगे बंद, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, जिले में लगातार बारिश की वजह से बढ़ी परेशानी।
शाजापुर में बाढ़ से हाहाकार, तो वहीं लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम जारी। झांसी में बारिश की वजह से रेलवे के गेस्ट हाउस में भरा पानी, बुलडोजर की मदद से की गई पानी की निकासी, कर्मचारियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बारिश की वजह से हादसा, भर भरा कर गिरा मकान, तो मलबे में दबने से परिवार के चार लोग हुए घायल। उधर ग्रेटर नोएडा में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, नालों की सफाई न होने की वजह से गांव में भरा पानी, डीएम ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। आज होगी वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक, तो सुबह 11 बजे संसद भवन में वक्फ बिल पर होगी चर्चा। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि देंगे अपने सुझाव, पटना लॉ कॉलेज के वीसी होंगे शामिल, AIMPLB और पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि रखेंगे अपनी राय। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर, तो वहीं शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार, 2029 में एक साथ हो सकते हैं चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन का 32 दलों ने किया समर्थन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला कदम। एक देश एक चुनाव पर विपक्षी दलों से बात करने के लिए 3 मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी, राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे चर्चा। एक देश एक चुनाव पर बोले बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, विकास की गति बढ़ाने के लिए एक देश एक चुनाव को बताया जरूरी। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित, 30,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। उधर जम्मू के कटरा भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों को करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लॉन्च करेंगे संकल्प पत्र। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ाया और देश को कमजोर करने का किया है काम। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर को 1,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, 3 महीने के भीतर दूसरी बार देंगे विकास का तोहफा। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी, एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा, एक हफ्ते में सरकारी आवास छोड़ेंगे केजरीवाल। उधर महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ पथराव, पुलिस ने 68 लोगों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। बिहार के नवादा में दो पक्षों के बीच संघर्ष के बाद तनाव, करीब 80 घरों में लगाई गई आग, पुलिस ने संभाला मोर्चा। दोनों पक्षों में संघर्ष के दौरान चली गोली, नंदू पासवान नाम के व्यक्ति पर घरों को आग लगाने का आरोप लगा, जमीन को लेकर चल रहा था ये पूरा विवाद। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, तो वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, आग में जलकर करीब 80 घर खाक। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी, आरजी कर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से सीबीआई ने की पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सरकारी अधिकारियों के साथ जूनियर डॉक्टर्स की हुई बैठक, डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर की चर्चा। भोपाल के प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची से रेप के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, आज स्कूल के खिलाफ होगा प्रदर्शन, आरोपी मुस्लिम टीचर गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में युवक पर देशद्रोह का केस दर्ज, बीएनएस की धारा 152 के तहत मुकदमा, वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश में एक को किया गया गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक लकड़ी का बोटा और चिलम की गई बरामद। उत्तर प्रदेश की मथुरा में फिर से ट्रेन डिरेल की खबर, आगरा से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतरे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेपर मिल में मिली लाखों स्कूली किताबें, 2024-25 सत्र की नई किताबों को अफसरों ने रद्दी में बेच दिया। यूपी के संभल में दबंगों ने पुजारी को बेरहमी से पीटा, तो अधमरी हालत में छोड़कर हुए फरार, वहीं पुजारी ने किया था मंदिर में शराब पीने का विरोध। रायबरेली में चलती कार से कूदी एक महिला, बीच सड़क चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के बहराइच में नशीले पदार्थ के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार, तो वहीं एसएसबी के जवानों ने भारत नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़ी महिला, करीब 30 लाख रुपए की चरस बरामद। देहरादून में शराब की दुकानों पर डीएम का छापा, ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर छापेमारी को दिया अंजाम, दुकान मालिक के खिलाफ 50,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। यूपी के बागपत में युवक पर देशद्रोह का केस दर्ज, तो वहीं बीएनएस की धारा 152 के तहत मुकदमा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुजरात के अमरेली में पुलिस कार दुर्घटना का हुई शिकार, अचानक कार में खराबी की वजह से पलटी कार, घटना में 3 से 4 पुलिसकर्मी हुए जख्मी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश घायल हैं। पुलिस ने चोरी का सामान और हथियार बरामद किए। उधर गोरखपुर में चोर ने घर में डाला डाका, घर में रखे जेवरात और सामानों पर किया हाथ साफ। घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। मैनपुरी में 2 बाइकों की चोरी हुई है। हॉस्पिटल के बाहर से बाइक लेकर गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुलंदशहर में बैंक संचालक का बैग लेकर चोर हुए फरार, कैश से भरा हुआ था यह बैग, वीडियो आया सामने। बहराइच में शराब की दुकान का ताला तोड़कर की गई चोरी, कैश और 2 पेटी शराब चुराकर चोर फरार, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में एसपीओ के घर में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम, 2 चोर भागने में रहे कामयाब, 1 को पकड़कर परिवार के लोगों ने पीटा, पुलिस ने किया अरेस्ट। नोएडा के जेपी हॉस्पिटल में गुंडागर्दी, दबंगों ने सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरीके से पीटा, लिफ्ट में जाने को लेकर हुआ था विवाद। फतेहाबाद में हथियार बंद बदमाशों ने दुकान पर किया अटैक। आपको बता दें, दुकानदार पर जमकर बरसाए लाठी डंडे, हमले में दुकानदार बुरी तरह से जख्मी हुआ। शामली में चौकीदार की हत्या का खुलासा, दोस्तों ने किया था मर्डर, शराब पीने के दौरान विवाद होने पर की थी हत्या। रायबरेली में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया हमला, हमला करने के बाद बदमाश मौके से हुए फरार, जख्मी युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। बागपत में पिकअप और ट्रैक्टर की टक्कर, विसर्जन से लौट रहे 2 युवकों की मौत हुई है, 4 लोग घायल। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे बैठक की मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित, तो यात्रा के दौरान पीएम कई नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर व्हाइट हाउस से बयान किया गया जारी, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की होगी बैठक, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी दोनों के बीच चर्चा। नाइजीरिया में बाढ़ से तबाही, उत्तर पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान, तो बाढ़ में अब तक 30 लोगों की मौत हुई है, 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, हजारों लोग विस्थापित। इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5 नई भूकंप की तीव्रता, तस्वीरें भी आई सामने, किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। FBI की जांच में बड़ा खुलासा, अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है ईरान, तो वहीं ईरानी हैकर्स ने बाइडेन के चुनाव अभियान से जुड़े लोगों को ट्रंप के कैंपेन से जुड़ी जानकारियां चोरी करके भेजी। उत्तर कोरिया ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने का किया दावा, परीक्षण के दौरान तस्वीरों में नजर आया किम जोंग उन। 4 साल के बाद मॉस्को से बाली पहुंची पहली फ्लाइट, यात्रियों को एयरपोर्ट पर फूलों के गुलदस्ते दिए गए, डांस और म्यूजिक के साथ किया गया जोरदार स्वागत। यूरोप के कई देशों की तरह स्पेन भी बाढ़ की चपेट में, भारी बारिश की वजह से देश के पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पुर्तगाल में जंगल की आग हुई और भी भयंकर, फायर ब्रिगेड हजारों कर्मचारी कर रहे हैं आग बुझाने की कोशिश, तो वहीं आग के कारण 7 लोगों की जा चुकी है जान। इसराइल में इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज के पास कार हुई दुर्घटना का शिकार, हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी, 3 लोग हुए जख्मी, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल।